बस मायरा चलो बस, अब कुल्ला करें। चलो कुल्ला कर लो वरना सारे दांत झड़ जाएंगे। फिर क्या मानोगे आप जब दांत ही झड़ जाएंगे सारे? जल्दी रखो, चलो इसको हो गया, आप फटाफट कुल्ला कर लो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा प्लान है शकर पारे बनाने का। क्या मायरा? शकर पारे। हम शकर पारे बनाएंगे। एक्चुअली मैं भी 4-5 दिन पहले गुलाब जामुन लाया था हल्दीराम की, और वो गुलाब जामुन में केवल गुलाब जामुन तो 7-8 ही निकले। 7-8 थे, ज्यादा थे, 10-12 अच्छा 10-12 के करीब गुलाब जामुन निकले उसमें से। बाकी जो है 1 किलो का डिब्बा था वो, जिसमें बाकी सारा शीरा ही शीरा है। शीरा बोल दो या क्या बोलेंगे? चाशनी। बाकी सारी चाशनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, अब प्लान है कि उससे कुछ बनाया जाए। भाई ये था 1 kg का डिब्बा। अब इस पर लिखा हुआ तो ये है कि तकरीबन 12 थे रसगुल्ले। अब ये मुझे पता नहीं कि मायरा ने खा लिए या मैंने खा लिए, पर मायरा को ज़्यादा पसंद थे ये। हाँ रुको 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 बेटा, ये देखो। अब इसके अंदर तकरीबन ये 500 ग्राम के करीब जो है चाशनी है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। क्या बोलती हो भाई? बिल्कुल। चलो तो शुरू करते हैं। जी। एक छोटे कप के अराउंड लिया है यहाँ पर मैदा, 100 ग्राम होगा तकरीबन, 100 ग्राम है ना। ये हमारे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है, नई डिश है हमारे लिए, हम ट्राई कर रहे हैं इसको। अगर ठीक ना बने तो मजाक मत उड़ाना। नहीं नहीं अच्छा बनेगा। लेकिन मम्मी बनाती रहती है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है, लेकिन हमारे लिए तो नया ही हुआ ना। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। और एक ये मायरा है हमारी, जब भी हम कुछ नया ट्राई करने वाले होते हैं और हम अपने काम में बिजी होते हैं तो हम इसको फोकस नहीं कर पाते, तो अपने ऊपर फोकस कराने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे कि हमें इसको ध्यान देना पड़े। अब ये अचार में घुस गई और अपने हाथ जो है इसने इसने अपने हाथ जो है अचार में गंदे कर लिए। अब इसके हाथ धुलवाओ। मायरा बेटा हमें थोड़ा टाइम दोगे? नहीं दोगे आप? हाँ अब अचार में धोना। चलो मैं आप धुला देता हूँ आपके हाथ, लेकिन आप नहीं घुसोगे अचार में, हम थोड़ा अपना काम कर लें, ठीक है? इसमें मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, ये आधी छोटी चम्मच है। और इसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ही पानी मिक्स करेंगे, बिल्कुल बस। क्या कर रहे हो मायरा? क्या कर रहे हो आप? हैं? तो अल्फिशर डो तैयार हो गया। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। हैं क्या? रेस्ट के लिए रख देंगे ढक करके 10-15 मिनट के लिए। अच्छा, डो तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम देसी घी गरम करते हैं कढ़ाई के अंदर, छोटी सी कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हम ज्यादा नहीं बना रहे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़ा ही बनाएंगे। एक ही हमारी मायरा है, पीजन को स्पेरो बताती है और स्पेरो को पीजन बताती है। अभी इसने स्पेरो देखी है तो उसको बोल रही है पीजन है। ये क्या तरीका है मायरा भाई तुम्हारा? क्या है? बोलो स्पेरो। बोलो स्पेरो। हाँ देखो ये क्या है, आप इस तरह दांत क्यों निकाल रहे हो चूहों की तरह? भाई ऐसी चीजें ट्राई करते रहनी चाहिए घर में, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और खाने को भी मिलता है खाने। बस हर टाइम चाहती है इसको गोद में लदा के रखो, है मायरा? किच्ची दे दो पापा को, देखो कितनी प्यारी किच्ची देती है मुझे मायरा, मीठी मीठी है बहुत है। ओए क्या हुई?
हाँ ये घी है बेटा देसी, गरम कर रहे हैं इसको। जी वो चाह रही है कि शकर पारे मैं बनाऊं। मायरा ये आपका काम नहीं है शकर पारे बनाने का, मम्मी बना रही है ना। ये देखो इधर आओ, ये देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो अब मम्मी ने डाल दिया इसके अंदर। अब ये स्लो फ्लेम पे मम्मी इसको पका रही है, जब ये पक जाएंगे उसके बाद आपको खिलाएंगे, ठीक है मायरा? ये देखिए भाई धीरे धीरे ये फूलना शुरू हो रहे हैं और ये तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर ब्राउन कलर के हो जाएंगे। शेप तो आ नहीं रही है जो हमें चाहिए थी, लेकिन यार कुछ तो बनेगा ही, मीठे में डालने के बाद तो सब चीज मीठी लगती है, मीठा तो मीठा ही होता है भाई, कोई बात नहीं ऐसे ही खा लेंगे आज। क्या? मुझे तो देखने में इसकी शेप अल्फी से कुछ मट्ठी जैसी लग रही है। मक्की? मट्ठी। अच्छा, मट्ठी। जैसे मट्ठी हो जाती है उस तरह की है ये। बनाने तो वाले थे शकर पारे लेकिन कुछ मट्ठी टाइप की शेप बन गई है, तो आज मट्ठी खा लेते हैं। मीठी मट्ठी इसलिए बन गई, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी और ऐड होता, पता नहीं भैया क्या ऐड होता, लेकिन मीठा है, मीठा तो खा ही लेंगे यार। ऑलमोस्ट ये तो रेडी हो गए हैं, जो भी हैं ये शकर पारे हैं या ये मीठी मट्ठी है, जो भी है रेडी हो गया ऑलमोस्ट। अब इसको हम डाल देते हैं। देसी घी भी खराब हो गया और टेढ़े मेढ़े बन हैं, अब ये पता नहीं हम इसको मट्ठी बोले या क्या बोले, फिलहाल तो खा लेंगे जो भी है। अल्फिशा क्या बना है ये? जो भी बना है आप खा लो इसको। सोचा क्या था क्या बन गया? बाहर फिर हटाओ बेटे फिर जल जाएगा। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही खा के देखते हैं कैसा बना है, पहले थोड़ा ठंडा हो जाए ये। भाई देखो ये बना है, अब इसको खा के देखते हैं कैसा बना है। मायरा आप ट्राई करोगे मैं ट्राई करूं? नहीं। चलो मैं ट्राई करता हूं भैया, रुको रुको हाथ चल जाएगा, पहले मैं ट्राई करके देखता हूं। बहुत तेज गर्म है भाई, मुंह में घुल रहा है जाके। टेस्ट तो आ रहा है भाई। खाने में तो टेस्टी है लेकिन बस जो हम बनाना शेप देना चाह रहे थे ना वो नहीं, वो शेप टाइप की नहीं बनी। चलो भाई जैसा बना, बस वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, अगली बार अच्छी मेहनत करके आपके लिए अच्छा कुछ बनाएंगे।